नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। नारनौल पुलिस विभाग हमेशा से लोगों की नजर में बुरा ही रहा है, खूब धब्बे उछाले जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से जंग में जिला महेंद्रगढ़ पुलिस का जो कार्य है उसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। कोरोना से युद्ध में पुलिस प्रशासन का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। जिला पुलिस जिस लगन और मेहनत से कार्य कर रही है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। ऐसे में पुलिस कर्मियों पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पुलिस के उच्चाधिकारी पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कोरोना वायरस से इस जंग में महेंद्रगढ़ जिला पुलिस फ्रंटलाइन हीरो के रूप में हर चौक चौराहों पर मुस्तैद खड़ी है। वहीं आम जन की सुरक्षा के लिए कोरोना के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए जिला पुलिस के जवान दिन रात अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते पुलिस कर्मियों में ना तो हौसला कम हो रहा है और ना ही इनके जन समर्पण की भावना में कोई कमी आ रही है, जबकि इनके खुद के साथी जिला पुलिस के जवान कोरोना महामारी की चपेट में आने से अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। उसके बाद भी निडर होकर ये लोग अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ दिन रात जनसेवा में ड्यूटी है पुलिस। वहीं राह चलते लोगों तक राशन और खाना पहुंचाने के साथ साथ दवाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके चलते पुलिसकर्मी अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। सर्दी पुलिस को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। हर चौराहे पर, हर नौकर पर, हर बाजार में पुलिस अपनी मस्तू के साथ ड्यूटी, हर जवान तय दिल से अपनी ड्यूटी कर रहा है। ना डरते हैं ना घबराते हैं। इस कोरोना काल में हर जन की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। सर जी, इसमें डरना क्या है? उन लोगों ने जो इस कोरोना काल की महाबीमारी में अपना बलिदान दिया है और अपने परिवार बच्चों को छोड़कर इस कोरोना महामारी में जन के लिए साथ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके खाने पीने का, चाय का और सुविधाएं जो भी हैं वो हर हमारा पुलिस अधिकारी उनकी सेवा करने को तैयार है। लेकिन ड्यूटी बढ़िया करो।